नमस्कार, आर फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं निदेशकों के मानदेय वृद्धि को लेकर। आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, उस बैठक में 9 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई, जिसमें सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो शिक्षा में तो निदेशकों को लेकर रही। शिक्षा में तो निदेशकों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि इस बैठक में उनके लिए कोई एक अच्छा प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन इस बैठक होने के बाद जो उनके हाथ आया वो निदेशकों के तो 2000 रुपये मानदेय वृद्धि कर दी गई, लेकिन शिक्षा मित्रों के हाथ कुछ नहीं आया। जबकि ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि सरकार शिक्षा मित्रों के बारे में भी विशेष विचार कर रही है, लेकिन उनका कोई भी प्रस्ताव कैबिनेट में पारित नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये रही कि जहां उत्तराखंड में सरकार ने 5000 रुपये, बीजेपी सरकार ने ही 5000 रुपये शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया है और 15 से बढ़ाकर 20000 कर दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्रों का मानदेय आज भी 10000 है। उसके अलावा निदेशकों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाया गया। निदेशकों के लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि अखिलेश सरकार ने उनका 1470 रुपये मानदेय बढ़ाकर, जब वो 7000 पर नियुक्त हुए थे उसके बाद 1470 रुपये मानदेय बढ़ाकर 8470 कर दिया था, लेकिन अखिलेश सरकार के जाने के बाद जब योगी सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले वो 1470 रुपये काट कर पुनः 7000 भुगतान करने का आदेश दिया। 5 साल से निदेशक अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। उनका 17000 मानदेय एक बार हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार से अप्रूव होने के बाद भी योगी सरकार ने उनको नहीं दिया। अंततः अभी ठीक चुनाव से पहले लखनऊ में निदेशकों और रसोइयों को बुलाया गया। अब बुलाने के बाद उनकी घोषणा की गई, उनसे कहा गया कि 2000 रुपये निदेशकों की मानदेय की वृद्धि करेंगे। हालांकि निदेशक इससे संतुष्ट नहीं थे। चुनाव से पहले की गई घोषणा पर अमल अब हो पाया है और अब जाकर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास किया है और 2000 रुपये की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कैबिनेट बैठक के बाद इस पर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो निदेशक कार्यरत हैं उनको 2000 रुपये मानदेय बढ़ाया गया है और पहले 7000 मिलता था, अब 7000 के बाद उनको जो मानदेय है वो 9000 मिलेगा, मतलब 2000 रुपया उनका मानदेय बढ़ाया गया। लेकिन इससे भी बहुत निदेशक नेता और बहुत निदेशक संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस सरकार ने 1470 रुपये काटा था उसे कम से कम निदेशक उम्मीद कर रहे थे कि जो 17000 की मांग उनकी कोर्ट में चल रही है वो 17000 रुपये उन्हें मानदेय मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के हाथों में निराशा ही लगी है। हालांकि इसका फ़र्क ये भी हो सकता है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद सरकार को लगता है कि कर्मचारी हमसे खुश है, लेकिन 7000 रुपये अल्प मानदेय पर लगातार 8 सालों से निदेशक काम कर रहे हैं, 9-10 साल उनको कंप्लीट होने जा रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति जस की तस है। 2000 रुपये मानदेय बढ़ाया तो गया है, लेकिन इस पर भी निदेशकों को विश्वास नहीं हो रहा है कि सरकार ये देगी भी कि नहीं देगी। हालांकि कैबिनेट बैठक से पास होने के बाद संदीप सिंह जी ने खुद इसकी घोषणा की है, तो ये 2000 रुपये बढ़ा हुआ मानदेय उनको मिलना तय है। संभवतः ये माना जा रहा है कि अप्रैल से मानदेय उनको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन सरकार की जो संविदा कर्मियों के प्रति नीति और निष्ठा है वो वास्तव में बहुत ही ढिलाईपूर्ण है। साथियों, जैसा कि इस घटना से हमको ज्ञात होता है कि 17000 मानदेय के लिए हम देश से लगातार लड़ रहे हैं, न्यायपालिका कई बार आदेश भी कर चुकी है, लेकिन उसका भी कोई परिणाम सरकार पर नहीं दिखा, कोई भी असर सरकार पर नहीं दिखा, कोई भी दबाव सरकार पर नहीं दिखा। शायद इसका मतलब यही कि पूर्ण बहुमत से बनने वाली सरकार को ही लगता है कि उससे लोग खुश हैं और इसलिए उन्होंने कोई विशेष निदेशकों के लिए व्यवस्था नहीं की। चाहते तो और सारी मानदेय बढ़ाने के साथ साथ और सारी कई चीज़ों पर भी बातचीत हो सकती थी, स्थानांतरण को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सिर्फ 2000 रुपये मानदेय निदेशकों का बढ़ाया गया है तो निदेशकों को बहुत नहीं, थोड़ा ही सही, उनको बहुत बहुत बधाई 2000 रुपये बढ़ने के लिए। हालांकि ये उनके लिए मुँह में ऊँट के बराबर जीरे के समान साबित होगा, क्योंकि वो 17000 की मांग कर रहे हैं, तो अब जाकर कहीं सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 2000 रुपये बढ़ाया है। ये सरकार बीजेपी की सरकार हमेशा से ही संविदा कर्मियों के खिलाफ जानी जाती है और वही आज हुआ। तो खैर, जो भी हुआ आगे देखते हैं क्या होता है। तो निदेशकों के लिए बड़ी खबर आपके बीच थी, आप देखिए संदीप सिंह ने अपने वीडियो में क्या कहा। बेसिक शिक्षा विभाग में अंशकालिक हमारे जो अनुदेशक हैं इनका मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव आज रखा गया था और लगभग जो है 27555 अंशकालिक अनुदेशक हैं, जो 7000 रुपये प्रति माह जिनको अभी सरकार के द्वारा दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 2000 रुपये और बढ़ा करके 9000 रुपये प्रति माह हमारे जितने भी अंशकालिक अनुदेशक हैं इन सब लोगों को मानदेय देने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे 3,77,520 रसोइया जो हमारे विभाग में कार्यरत हैं मानदेय के माध्यम से
10 माह के लिए इनका जो मानदेय है इसको 1500 रुपए से बढ़ा करके 2000 रुपए 500 रुपए की वृद्धि करने का भी कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव पे पारित किया गया है। और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी रसोईया हैं सभी लोगों को एक बार वर्ष में महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए पैंट शर्ट की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था भी 500 रुपए की धनराशि से सभी हमारे रसोइयों के लिए की गई। 3,77,520 रसोइयों के लिए और 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने का।